तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे जैक को दिखाते हुए जिसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। उसकी मदर उसकी इस आदत से बहुत तंग थी। उसकी मदर जैक से कहती हैं कि तुम जानते हो ना कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस पे कर सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो और शुरू से स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रहे हो, लेकिन ये वीडियो गेम्स तुम्हें खराब कर रही है जैक। तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। जैक की मदर भी जॉब किया करती थी जिससे वो घर का रेंट पे किया करती थी और जैक खुद भी एक पार्ट टाइम जॉब करता था एक जापानीज एंटीक स्टोर में। जैक जब भी अपनी जॉब पर जाता तो उसे कुछ लड़के बुली किया करते थे, उसका पीछा किया करते थे और जैक डरता हुआ अपनी जान बचाता हुआ स्टोर के अंदर आ जाया करता था। तो स्टोर का ओनर जैक से कहता है कि आज भी तुम्हें उन लड़कों ने तंग किया? तो जैक कहता है कि हाँ। ओनर कहता है और आज भी तुम भाग आए, नहीं किया ना उनका सामना? तो जैक कहता है कि हाँ आज भी मैं भाग आया, मैं मानता हूँ नहीं हूँ मैं ब्रेव। तो ओनर कहता है कि नहीं तुम ब्रेव हो और जल्दी तुम्हें इस बात का रियलाइज हो जाएगा। इसी के साथ वो जैक से कहते हैं कि आओ एक नई चीज आई है स्टोर में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो। जैक खुशी खुशी उनके पीछे जाने लगता है तो उन्हें एक स्टैचू दिखाते हैं जो किसी प्रिंसेस का था जो कि किसी चीज पर बना हुआ था। जैक उसे देखता रहता है और उसे वो चीज काफी अच्छी लगती है। तो शॉप का ओनर उसे कहता है कि तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जैक ये सुन के काफी खुश होता है और उस वेसल को अपने घर ले आता है। उसे देख कर वो सो जाता है लेकिन तभी उसमें से एक वॉरियर आता है। वो जैक पे स्वॉर्ड पॉइंट करता है और उसे पूछता है कि ब्लैक नाइट कहाँ पर है। तो जैक कहता है जिस ब्लैक नाइट का तुम पूछ रहे हो वो तो मेरा गेम में कैरेक्टर है। तो वॉरियर कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे किंगडम पर किसी ने अटैक कर दिया है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास रखवाने वाला हूँ और साथ ही एक प्रिंसेस वहाँ पर आती है। तो वॉरियर कहता है कि ये हमारी सबसे जरूरी चीज है, हमारी प्यारी प्रिंसेस। दूसरे किंगडम वाले इसे लेकर जाना चाहते हैं लेकिन तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना होगा। जैक काफी डरा हुआ था, वो कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, मेरे साथ ये एक्टिंग बंद करो। मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट करूं, मैं और मेरी मॉम तो खुद बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। तो वो वॉरियर कहता है कि इसके लिए तुम्हारे पास एक वेपन होना चाहिए। तो जैक कहता है कि आई एम ओनली 16, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। इसी के साथ वो वॉरियर प्रिंसेस के पास जाता है और कहता है कि प्रिंसेस पूरी दुनिया में यही एक सेफ जगह है जहाँ पे आप रह सकती हैं। बस कुछ दिन इस छोटे बच्चे के साथ रह लें, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगा जैसे ही हालात ठीक होंगे। और इसी के साथ वो उस वेसल में जंप कर देता है और गायब हो जाता है। जैक जब उस वेसल के अंदर देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि वो वॉरियर कहीं पर भी नहीं था और प्रिंसेस बेफिक्र होकर सो जाती है। जैक यही सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम को क्या बताऊंगा और ये प्रिंसेस है कि कुछ सुनी नहीं रही। खैर अब सुबह हो जाती है और प्रिंसेस जाती है लॉन में, वहाँ पर वो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगती है और कुछ योगा करने लगती है। जैक काफी डरा हुआ होता है कि अगर इसे मॉम ने देख लिया तो वो तो मेरी चटनी बना देंगी कि भाई ये किसको उठा लाए हो। तो वो काफी कोशिश करता है कि उसकी मॉम इनको ना देखे और लकीली जब उसकी मॉम ऑफिस चली जाती है तो वो सुकून का सांस लेता है और फिर प्रिंसेस के पास जाके कहता है कि जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं लोगों को आप शक में डाल रही हैं, ऊपर से जो एक्शंस आप कर रही हैं, कोशिश करें कि आप मेरी मदर के सामने ना आए और प्लीज अपना ड्रेस भी चेंज कर लें। इसी के साथ जैक उसे मॉल लेकर जाता है और कहता है कि ले लें अपनी पसंद के कपड़े। तो प्रिंसेस उसके साथ मॉल जाती है और काफी एंजॉय करती है क्योंकि उसने ये दुनिया पहली बार देखी थी। कहां वॉर्स लड़ने वाली प्रिंसेस अब एंजॉय कर रही थी और फिर सामने आती है प्रिंसेस एक नई ड्रेस में, वो तो बिल्कुल ही चेंज लग रही थी। जैक काफी सोचता है कि अब तो शाम होने वाली है, मैं मदर को क्या बताऊंगा और इसे मैं कहीं पर छोड़ भी नहीं सकता। तो वो उसको अपने साथ घर ही ले आता है और अपनी मदर से कहता है कि हमारे स्कूल में कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए हैं और ये यहाँ पर नहीं है, ये इनफैक्ट जापान से आई है और अभी तक इसका कोई हॉस्टल का अरेंज नहीं हुआ तो ये कुछ दिन हमारे साथ रहने वाली है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि वेलकम बेटा, आओ खाना खाओ। उसके बाद वो सब मिलके डिनर करते हैं और प्रिंसेस सोने चली जाती हैं, यानी प्रिंसेस का ये दिन काफी अच्छा रहा था। अब सुबह होती है तो जैक की मदर जैक से कहती हैं कि बेटा मुझे एक अर्जेंट काम पड़ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए वहीं पर रहना होगा, तुम अपना और अपनी दोस्त का ख्याल रखना और घर का भी, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी वापस। थोड़ी ही देर में प्रिंसेस भी उठ जाती हैं। जैक देखता है कि कुछ अजीब और गरीब कपड़े पहने लोग उसके घर आ गए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे पुराने जमाने से आए हों और वो लोग थे जो कि प्रिंसेस को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जैक को उस वॉरियर ने कहा था। वो लोग जैक पर भी अटैक करने लगते हैं। जैक खुद को बहुत डिफेंड करता है लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि था तो एक छोटा सा बच्चा ही, एक 16 साल का लड़का। वो लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जैक डर जाता
जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो सब लोग वेसल में कूद जाते हैं और जैक भी उनके पीछे पीछे उसी वेसल से एक सीढ़ी से होता हुआ नीचे जाता है। लेकिन जैक वहाँ से जिस जगह निकलता है वो उसी वॉरियर का घर होता है। वो वॉरियर जब जैक को देखता है तो उसे कहता है कि प्रिंसेस को ले गए वो लोग। मैंने तुम्हें सीरियस में कहा था, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सके। ये लोग अभी बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग आकर इन पर भी अटैक कर देते हैं और ये दोनों खुद को बचाने लगते हैं कि तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आता है जिसको सब लोग विज़र्ड कह रहे थे। वो आकर इनकी जान बचाता है, उन सब लोगों को फ्रीज कर देता है। वो जैक के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बेटे तुम सोच रहे हो कि ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हें सारी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो वॉरियर तुम्हारे पास आया ये बहुत अच्छा वॉरियर है और हमारे राजा की प्रोटेक्शन करता था। इसको मिला के टोटल 7 वॉरियर्स थे, लेकिन उन पर दूसरे किंगडम के लोगों ने हमला कर दिया जो कि राजा के दुश्मन थे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने राजा को भी मार दिया क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं बचा था और ये अकेला वॉरियर उन सबको हरा नहीं सकता था। राजा की बेटी यानी प्रिंसेस काफी उदास हो गई और वो लोग जल्द इनको भी मारने आने वाले हैं। वो हमारे किंगडम पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये वॉरियर अब हार नहीं मानता। इसे प्रिंसेस को बचाना ही बचाना है क्योंकि ये राजा का बहुत ही ज्यादा लॉयल वॉरियर था। यहाँ तो वो हर जगह अटैक कर रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, इसीलिए प्रिंसेस को तुम्हारे घर छोड़कर आया ताकि तुम उसकी हिफाजत कर सको। तो जैक विजर्ड से पूछता है कि लेकिन मैं इस दुनिया में कैसे चुना गया, आपने मुझे कैसे ढूंढा। तो विजर्ड बताते हैं कि मेरे बेटे मेरे पास एक स्टोन है जिसे मैंने पूरी दुनिया में घुमाया लेकिन मुझे कोई भी अच्छा वॉरियर नहीं मिला। फिर उस स्टोन ने ढूंढा एक वॉरियर जिसका नाम था ब्लैक नाइट। तो जैक कहता है लेकिन वो तो मेरा गेमिंग कैरेक्टर है। तो विजर्ड बताते हैं कि तभी तो तुम गेम में इतना अच्छा खेलते हो कि उस स्टोन ने तुम्हें ही चुन लिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम जैक है लेकिन तुम तो हो ही ब्लैक नाइट, क्योंकि खेलने के लिए भी स्किल चाहिए, इसी तरह जंग में लड़ने के लिए भी स्किल चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम ही हो वो जो सब सीख सकते हो और हमारे किंगडम की प्रोटेक्शन कर सकते हो। जैक को तो पहले ही वीडियो गेम्स खेलने का शौक था तो उसके लिए भी अलग दुनिया काफी इंटरेस्टिंग थी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ ढूंढूंगा प्रिंसेस को और उन लोगों को खत्म कर दूंगा जो प्रिंसेस को उठा कर ले गए हैं। अब वो विजिट उस अच्छे वॉरियर को और जैक को एक साथ भेज देते हैं दुश्मन मुल्क तक पहुँचने के लिए। वहां तक जाने के लिए उन्हें एक समंदर पार करना था। अब रास्ते में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैक उस वॉरियर से कहता है मैं आपको डांस सिखाऊं और ये सीन काफी फनी लगता है जब जैक इतने बड़े वॉरियर को डांस सिखा रहा होता है। तो वॉरियर उसे कहता है यार बस करो, जो सीखने आए हो वो सीखते हैं, और वो उसे अपने लड़ने के तरीके सिखाने लगता है, यानी इनका काफी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। रास्ते में नदी आती है तो वॉरियर कहता है कि हमें दूसरा रास्ता लेना होगा, यहाँ से काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। तो जैक कहता है इतनी सी बात, मैं आपको तैरना सिखाता हूँ, और वो उसे अपने साथ नदी में ले जाता है। वॉरियर डरने लगता है तो जैक कहता है इजी रहें, हम जल्द पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही होता है। जैक की अच्छी स्विमिंग की वजह से वो लोग जल्दी उस तरफ पहुंच जाते हैं। ये लोग उस दुश्मन राजा के कैसल के बिल्कुल बाहर थे, गार्ड्स को इलेक्ट्रिक करके अंदर चले जाते हैं और उनको मार देते हैं। जैक को तभी वहाँ पर प्रिंसेस दिखाई देती है। प्रिंसेस जैक को यहाँ पर देख के काफी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ मेरी खातिर आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर वॉरियर आता है और कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और उस बेचारे की बात ठीक थी, वहाँ पे कई ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं जो उन तीनों को ही पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं। वो दुश्मन राजा इनसे कहता है कि सुबह होते ही तुम दोनों को मार दिया जाएगा और मैं प्रिंसेस से शादी कर लूंगा। ये सुन के प्रिंसेस रोने लगती है। तो वॉरियर से देखा नहीं जाता, वो एक तितली को बुलाता है और उससे कहता है कि जाकर विजिट को बताओ कि हम मुश्किल में। उसी के बाद कोई स्मोक उड़ती हुई प्रिंसेस के पास आती है। प्रिंसेस चेन से बंधी हुई थी और मुसलसल रो रही थी। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अब सुबह होती है और हर तरफ ढोल बज रहे होते हैं क्योंकि राजा सेलिब्रेशंस कर रहा था अपनी शादी की उस प्रिंसेस के साथ, और दूसरी तरफ उसने वॉरियर को और जैक को फांसी देनी थी। अब प्रिंसेस को राजा के सामने लेकर आया जाता है। उसका मुंह कपड़े से कवर था। राजा काफी खुश था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेस का वेल यानी उसका निकाब उठाता है तो अंदर काफी खौफनाक क्रिएचर होती है जो कि खुद प्रिंसेस ही थी, लेकिन उनका फेस पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थीं जैसे कोई लिजर्ट हो, और जुबान भी काफी लंबी थी। ये देख के राजा डर जाता है और वो सब वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि इनको खत्म करो, लेकिन तभी वहाँ पर वो तितली उड़ती हुई आती है और वो तितली कोई और नहीं हमारे प्यारे विजर्ड थे। वो फौरन से अपने वॉरियर को और जैक को आजाद करते हैं। वो जैक पर कोई मैजिक करता है जिससे जैक हवा में उड़ने लगता है। वो उस तरफ से प्रिंसेस को उठाता है और अपने साथ दूसरी तरफ ले आता है। विजर्ड प्रिंसेस को दोबारा से ठीक कर देते हैं, लेकिन उस तरफ भी दुश्मन राजा के वॉरियर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक की कोशिश करते हैं।
विजर्ड जैक को एक मैजिकल डस्ट देते हैं कि यहाँ वॉरियर्स पर गिरा दो, और जैक ऐसा ही करता है। लेकिन तभी उनमें से राजा का एक खास वॉरियर काफी बड़े जाइंट में बदल जाता है और जैक पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैक प्रिंसेस को अपने साथ लेता है और एक मशीन में बैठ जाता है, वैसी मशीन जिसमें पत्थर रखो और दूसरी तरफ से प्रेशर डालो तो पत्थर काफी दूर जाके गिरता है। जैक यही ट्रिक खुद पर भी आजमाता है और एक जंगल में जाकर गिरता है, लेकिन वो बेचारा बेहोश हो चुका था। और जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि उसी जंगल में उसका दुश्मन राजा पहुंच चुका है। उसने प्रिंसेस को बांध दिया है और उसके काफी ज्यादा वॉरियर्स हैं वहाँ पर। जैक उन सबसे ब्रेवली लड़ता है और इसी के साथ वो दुश्मन राजा जैक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका अटैक काफी खतरनाक था, लेकिन जैक वहाँ से बच निकलता है और जो जो ट्रिक्स उसे उस वॉरियर ने रास्ते में सिखाई थी वो उसका यूज करने लगता है। यहाँ पे वो खुद को काफी लकी समझ रहा था कि उसने वो ट्रिक्स सीख ली जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रही है। वो तो शार्प लकड़ियां उठाता है और उस राजा की गर्दन में घुसा देता है, और फिर उसके बाद हैप्पीली वो उस प्रिंसेस को छुड़ाता है और अपने साथ उसे किंगडम में ले आता है। प्रिंसेस काफी खुश थी और दोबारा से वैसे ही ड्रेसअप हो जाती है जैसे उसके किंगडम के लोग हुआ करते थे। अब वहाँ पे इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा था कि हमने उस राजा को मार डाला और प्रिंसेस को बचा लिया, क्योंकि अब उनका किंगडम था काफी ज्यादा सेफ। सब लोग जैक का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रिंसेस भी जैक को बुलाती है। जैक दरअसल वापस अपनी दुनिया जा रहा था, तो प्रिंसेस उससे कहती है कि जैक तुम हमेशा यही समझते रहे ना कि तुम ब्रेव नहीं हो, तो मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुमसे ज्यादा ब्रेव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि इतनी सी एज में काफी बड़े बड़े काम करता है, और ये कि मुझे तुम काफी अच्छे लगने लगे हो। तो जैक प्रिंसेस से कहता है कि आप भी काफी अच्छी हैं। अब सब लोग उसको गुड बाय कहते हैं और प्रिंसेस कहती है कि दोबारा जरूर आना, और जैक वहां से बाहर निकल आता है। जैक काफी सैड लग रहा था, तो जो बाहर वॉरियर्स होते हैं वो जैक को नहीं जानते थे। उन्हें लगता है कि ये उन्हीं में से कोई वॉरियर है, क्योंकि उसके कपड़े इनके किंगडम के लोगों से मैच नहीं करते थे। तो वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं और जैक अपनी जान बचाता हुआ वहां से भाग आता है। इसी दौरान उसे वही वॉरियर मिलता है जिसने उसे ट्रिक सिखाई। वो उसे गले से लगाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे वॉरियर्स तो जैक की जान ही नहीं छोड़े थे। तो जैक उस वॉरियर से मिलके वहां से भाग आता है और वापस से अपनी दुनिया में जंप लगा देता है। वो जब अपनी दुनिया में उस वेसल से बाहर आ रहा होता है तो वो गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वेसल काफी बुरी तरह से टूट जाता है। जैक कहता है, यार अब मैं वापस प्रिंसेस से कैसे मिलने जाऊंगा। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अगली सुबह अपने स्कूल जाने लगता है। रास्ते में उसे वही बच्चे मिलते हैं जो कि उसे बुली किया करते थे, लेकिन इस बार तो जैक बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान था। वो बिना डरे उनसे लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है, और उसके बाद वो बच्चे उसे तंग नहीं करते। जैक घर आता है और उसी वेसल को देखे जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को मिस कर रहा था। तो उसे एक आइडिया आता है, वो वहाँ के सारे कैरेक्टर्स याद करने लगता है जो उसने दूसरी दुनिया के किंगडम में देखे थे। वो उन कैरेक्टर्स को यूज करते हुए बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव गेम बनाता है और उसे एक कंपनी को बेच आता है, जिसके बदले में उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। वो लाकर अपनी मदर को दिखाता है और कहता है कि ये ले मामा, जिस घर का रेंट काफी मुश्किल से देती थी आप उस घर को ही खरीद लें। उसकी मदर कहती है, मुझे प्राउड है तुम पर मेरे बेटे। वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उनके हालात अब काफी अच्छे हो चुके थे, क्योंकि जो मनी वो रेंट में दे रहे थे वो अब खुद पर लगा रहे थे। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैक एक मॉल में होता है, तभी पीछे से उसे प्रिंसेस की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो प्रिंसेस काफी खूबसूरत लग रही होती है, उन्होंने आजकल की दुनिया के ही कपड़े पहन रखे थे। तो जैक उसके पास जाता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैंने विजर्ड को बताया कि मुझे तुमसे मिलना है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है और उसने हमारी मदद भी की है, तो जब चाहो उससे मिलने जाओ। और उन्होंने मेरे लिए एक वॉरियर गेट बनाया जिससे होकर मैं इस दुनिया में आई सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। ये दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं जैसे एक बार पहले किया। ये लोग आइसक्रीम्स खाते हैं और काफी बातें करते हैं, और फिर प्रिंसेस अपने किंगडम वापस चली जाती है ये कहते हुए कि मैं दोबारा आऊंगी और मैं हमेशा ऐसे आती रहा करूंगी, इसलिए तुमने कभी सैड नहीं होना। जैक बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी अच्छे मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।